पुतिन दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए एक से बढ़कर एक चाल चल रहे हैं। पुतिन ने अब उस जासूसी स्कूल को फिर से ओपन कर दिया है जो सोवियत संघ के खत्म होने के साथ बंद हो गया था। इस स्कूल में वो ब्यूटी ब्रिगेड तैयार हो रही है जो ग्लोबल हनी ट्रैप को अंजाम देगी। स्कूल में लेडी जासूसों की ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि पुतिन की वो लेडी जासूस दे रही है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूसी के नाम से मशहूर है। पुतिन की वो ग्लैमरस जासूस जो सुपर पावर को लंबे वक्त तक चकमा देती रही, रूस की वो लेडी स्पाई जिसने अमेरिका के कई राज हासिल कर लिए थे, वो ग्लैमर गर्ल जिसके मोहपाश में अमेरिका के कई दिग्गज ट्रैप हो गए थे, जिसकी खूबसूरती और दिमाग ने CIA और FBI को भी मात दे दी थी, जिसकी जासूसी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, वो लौट आई है। पुतिन की ग्लैमरस लेडी की जासूसी की दुनिया में फिर से एंट्री हो गई है। ये लेडी स्पाई कोई और नहीं बल्कि एना चैपमैन है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन दुश्मन देशों की जासूसी करने वाली हनी ट्रैप बटालियन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर कजान में उस जासूसी स्कूल को फिर से खोल दिया गया है जो 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के साथ ही बंद हो गया था। यहां जासूसी की क्लासें चल रही हैं। बड़ी तादाद में सुंदर लड़कियों और महिलाओं को हनी ट्रैप और जासूसी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुतिन जो लेडी जासूसी जत्था तैयार कर रहे हैं उसमें एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर और टीचर शामिल हैं। इस हनी ट्रैप बटालियन को ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि पुतिन की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर जासूस एना चैपमैन ही दे रही हैं। मार्क हॉलिंग्सवर्थ की किताब एजेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस के मुताबिक विदेशी लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाना है, रूस और दूसरे देशों में विदेशियों के करीब कैसे जाना है, उनसे सीक्रेट जानकारी कैसे उगलवानी है, जांच एजेंसियों को चकमा कैसे देना है, एना चैपमैन हनी ट्रैप बटालियन को यही सब सिखा और बता रही हैं। सवाल यह है कि आखिर ये एना चैपमैन है कौन? अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं। एना चैपमैन की जासूसी का चैप्टर जितना हैरत अंगेज है उतना ही दिलचस्प। एना चैपमैन जितना जासूसी की दुनिया में मशहूर है उतना ही मॉडलिंग की दुनिया में भी, जिसकी वजह है उनकी खूबसूरती। एना चैपमैन का एक ऐसा इतिहास है जो उन्हें रूस में हीरो तो अमेरिका में विलेन का दर्जा देता है। 2009 में एना को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में जासूसी के लिए भेजा था। एना ने अमेरिका में अपनी खूबसूरती के दम पर कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और बैंकर्स को फंसाकर जासूसी की। एना ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में शामिल एक मंत्री को अपने मोह जाल में फांस लिया। पुतिन की लेडी जासूस ने अमेरिकी मंत्री से कई खुफिया राज उगलवाए थे। 2010 में अमेरिका की आंतरिक खुफिया एजेंसी FBI ने एना के एक संदेश को डीकोड कर लिया और इस तरह से वो अमेरिका की गिरफ्त में आ गई। इसके बाद वो न सिर्फ रूस में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दिलचस्प ये है कि पकड़े जाने के बाद अमेरिका ने एना को कोई सजा नहीं दी बल्कि एक अमेरिकी जासूस के बदले उन्हें छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि एना को पुतिन ने ही छुड़वाया था। अब पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को फिर से काम पर लगा दिया है। इस बार एना का काम है लेडी जासूसों की ब्रिगेड को ट्रेन करना। ट्रेनिंग खत्म होते ही पुतिन की लेडी जासूस उन देशों में पहुंच जाएंगी जिनसे रूस को खतरा है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा खतरनाक जासूसी का एक और दौर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।